So today's our important topic is nursing theory, ethics and as a profession. So आज ये हमारा profession of nursing, जो profession subject होता है nursing में, तो उससे related ये topic है आपका nursing theory, ethics and as a profession. तो ये इस topic से related जितने भी important आज हम लोग MCQs पढ़ने वाले हैं वो इस topic से related रहने वाले हैं, और ये topic जो है exam के point of view से बहुत ही ज़्यादा important रहने वाला है. So start करते हैं आज का टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी इन दिस टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कौन सी कंट्री में बोर्न हुई. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न हुई थी कौन सी कंट्री में, ये पूछा है. तो आपका आंसर इसमें जाएगा इटली. इटली में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था. यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. सो हियर कैन सी द कंसेप्ट शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो यहाँ देखेंगे नाइटिंगेल फ्लोरेंस वाज अ ब्रिटिश, ये जो थी ब्रिटिश फिलैंथ्रोपिस्ट थी जिनका जन्म जो हुआ है वो जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में. जिनका जन्म जो है 12 मई 1820 में हुआ था, एंड उनका डाय जो हुआ था वो 13 अगस्त 1910 में हुआ था. ये चीज़ हमें याद रखने वाली है कि 12 मई 1820 को इनका बोर्न हुआ था, और जो है वो 13 अगस्त और 1910 को जो है इनका डेथ हुआ था. 13 अगस्त 1910 में इनका डेथ हुआ था. 12 मई 1820 में इनका जो है बोर्न हुआ था, और डेथ 13 अगस्त 1910 में. हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. वो क्या था, उनको कंसिडर किया गया था फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर उनको कंसिडर किया गया था, एंड जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. सो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सी गोट लॉट ऑफ फाउंड्स ड्यूरिंग सेरेमनी. वाट फाउंड वाज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ स्कूल ऑफ नर्सिंग एट सन थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन. तो यहाँ पे जो है सी गोट लॉट ऑफ फंड्स, इन्होंने बहुत सारे जो है लॉट्स ऑफ फंड्स को पाया ड्यूरिंग वार के दौरान इन्होंने बहुत सारे फंड्स को पाया. एंड फाउंड वाज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, और उस फंड से जो फंड मिला था इनको, तो उस फंड से इन्होंने एक स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया. उस स्कूल का नाम है संत थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन इंग्लैंड 1860. तो 1860 में जो है संत थॉमस हॉस्पिटल जो है इन्होंने लंदन इंग्लैंड में जो है इन्होंने सेरेमन वार के थ्रू जो भी फंड पाया था, तो उसके थ्रू जो है एक स्कूल को इस्टेब्लिश किया 1860 में, जिसका नाम है थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन इंग्लैंड. सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बेस्ड ऑन द नाइटिंगेल मॉडल टू बी एस्टेब्लिश इन द US वाज विलिफ हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क 1873. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प ऑफ सेलिब्रेट. यानी कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प जो है वो किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है. किसको कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है. एंड बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प इज सेलिब्रेटेड एज अ नर्सेस डे. तो इनके जन्मदिन पर जो है नर्सेस डे को सेलिब्रेट किया कब, तो इसका आंसर जाएगा आपका 12 मई को इनका जन्म हुआ था, वही जो है उसी दिन पर जो है लेडी विद द लैम्प इनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हु इज़ नॉन एज लेडी विद द लैम्प. तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, जिनका जन्म 12 मई को हुआ था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बर्थ डेथ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डेथ क्या है, वह बर्थ डेट यानी कि जन्मदिन का डेट कौन सा है. तो बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब बॉर्न हुई थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कब बॉर्न हुई थी, तो आंसर आपका चाहेगा 12 मई 1820 को.
नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वॉर डिड द यूनाइटेड स्टेट आस्ट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल असिस्टेड इन सेटिंग ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल. तो किस बार के दौरान जो है वो डिड यूनाइटेड स्टेट आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यूनाइटेड स्टेट ने आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल असिस्टेंस इन सेटिंग अप अ मिलिट्री हॉस्पिटल, तो ये कौन से वार के दौरान, तो आंसर जाएगा सिविल वार के दौरान. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि इज एनॉलेज टू बी फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी किसने दिया था, तो आंसर आपका जाएगा फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड, हु वॉज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड, तो हु वॉज द फर्स्ट नर्स, फर्स्ट नर्स वर्ल्ड की, वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स कौन सी थी, तो फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कौन है, तो ये फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फर्स्ट नर्स ऑफ इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो नर्सिंग एजुकेशन जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ, तो नर्सिंग एजुकेशन जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ. नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, तो मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन थी, तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर थी वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर जो हैं वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो नर्सिंग का जो फर्स्ट स्कूल है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो फर्स्ट स्कूल जो नर्सिंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रू हुआ. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम थ्योरी कि थियोडोर फ्लाइडनर जो उन्होंने ओपन किया ओपनेड द हॉस्पिटल एट द डेकोन्स, जिसे क्या कहा सिस्टरहुड डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ द सिक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि ओपन हुआ था कब, 13 अक्टूबर 1836 को, एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन देयर वाज अ नर्स, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ की नर्सेस को ट्रेन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी द प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम, प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम, प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द, तो प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप हुआ कब, तो आंसर जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी में जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी में जो है प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम जो है डेवलप हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल कौन सा, फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल यूनाइटेड स्टेट में, तो आंसर आपका जाएगा ब्लेड स्कूल जो था फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल था, कौन सा बेलार्ड जो स्कूल था वो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्कूल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये बेलार्ड स्कूल जो है वो न्यूयॉर्क में था, वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्कूल था, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी जहाँ पे, और ये था यूएसए में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्सिंग थ्योरी, द नर्सिंग थ्योरी फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज, तो द नर्सिंग थ्योरी फ्रेमवर्क जो नर्सिंग थ्योरी का फ्रेमवर्क है तो वो किसके द्वारा, नेचुरल हीलिंग. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्वायरमेंटल थ्योरी दिया इन्होंने, वेंटिलेशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी इन्वायरमेंटल थ्योरी, जिसे इसमें इंक्लूड होता है वेंटिलेशन, वार्म लाइट, डाइट, क्लीनिनेस एंड नॉइज़, ये सब इंक्लूड होता है इन्वायरमेंटल थ्योरी में, जो कि बिलीव्स दैट इन्वायरमेंट शुड बी अलर्ट टू अलाउ अ नेचुरल हीलिंग, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये बिलीव किया था कि जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है इन सब में वेंटिलेटर, वार्म लाइट, डाइट, क्लीनिनेस एंड नॉइज, ये सब इंक्लूड होते हैं, और इन सब के थ्रू ही नेचुरली जो है पर्सन जो है नेचुरली हील हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई किसके द्वारा, तो वो एस्टैब्लिश हुई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रोन द्वारा जो है फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी एंड हेल्थ को हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन जो है फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी एस्टैब्लिश हुई बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, All the following statement are true for Miss Florence Nightingale except. तो मिस जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनके उनके द्वारा जो है इतने जो भी स्टेटमेंट ये दिए गए हैं वो स्टेटमेंट सभी ठीक हैं किसी एक को छोड़कर, यानी कि जो एक स्टेटमेंट है उसको छोड़कर के बाकी सभी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो ट्रू हैं अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बट कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है वही आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका नो फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन नर्सिंग ड्यूरिंग सेरेमन वार, या फिर विजिटेड इंडिया वंस ओनली, या फिर रिसीव द ईयर बुक ऑफ इंस्टीट्यूशन एट कैजर वॉथ, या फिर अपॉइंटेड एज सुपरटेंडेंट ऑफ इंग्लिश इन जनरल हॉस्पिटल इन टर्के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा विजिटेड इंडिया वंस ओनली, इसको छोड़ के बाकी स्टेटमेंट सभी जो हैं वो ट्रू हैं अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नो फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन नर्सिंग ड्यूरिंग सेरेमन वार, यस इट इज़ राइट, एंड रिसीव द ईयर बुक ऑफ इंस्टीट्यूशन एट द केसियर वॉल, ये भी राइट है, अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ द इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल इन टर्के, यस इट इज़ राइट। सो एक्सेप्ट पूछा था इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी, दैट इज़ विजिटेड इंडिया वंस ओनली। नेक्स्ट आप देखेंगे सी हैड द इंटरेस्ट टू इंडिया एंड वॉन्ट टू विजिट 1857 रिवोल्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट बिकम नॉट पॉसिबल अथॉरिटीज वर्कड ऑन इंडिया सैनिटेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नाइटिंगेल डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नाइटिंगेल डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नर्सेस फंक्शन। तो नाइटिंगेल डेफिनेशन के नाइटिंगेल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग जो नर्सिंग की डेफिनेशन नाइटिंगेल की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नर्सेस फंक्शन, तो इसमें नर्सेस का फंक्शन पूछा है, नर्सेस का फंक्शन अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल डेफिनेशन, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सी, दैट इज प्रोवाइडिंग स्पंज बाथ टू बेड रिडन पेशेंट को क्या कैसी बात, स्पंज बाथ प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि बेड रिडन पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, adjustment of living matter to other things and to environment condition as adjustment of living matter, लिविंग मैटर का adjustment टू other things and to environment condition is, यानी कि एडजस्टमेंट होना लिविंग मैटर टू अदर थिंग्स एंड टू इन्वायरमेंट कंडीशन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा अडॉप्टेशन थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट अडॉप्टेशन थ्योरी, तो अडॉप्टेशन मॉडल और थ्योरी मॉडल, अडॉप्टेशन मॉडल कहा जाए या थ्योरी कहा जाए, तो अडॉप्टेशन मॉडल या थ्योरी इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग, या कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग ये डेवलप हुआ किसके थ्रू, डेवलप बाय नर्सिंग थ्योरिस्ट, जो नर्सिंग थ्योरिस्ट हैं जिसे जिन्हें क्या कहा गया, नर्सिंग थ्योरिस्ट जिन्हें सिस्टर सेलेस्टिका रॉय 1976 में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल अडॉप्टेशन और इन्वायरमेंटल स्ट्राइक, ये किसके बेस पे थी, ये बेस पे किसके थी, इंडिविजुअल अडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंटल स्टमलाय। इन दिस मॉडल द गोल ऑफ नर्सिंग, इस मॉडल में जो नर्सिंग का गोल था वो क्या था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि क्या गोल था, टू प्रमोट एंड अडॉप्टेड फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी रोल फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्स, द प्रमोट एंड अडॉप्टिंग, ये जो था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल था अडॉप्टेशन मॉडल का, जो कि 1976 में जो है डेवलप हुआ बाय नर्सिंग थ्योरिस्ट सिस्टर सेलेस्टिका रॉय के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हाइल्डकर पेप्लो वन ऑफ द सब रोल्स ऑफ द नर्सेस इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका मदर सरोगेट। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन,
हु गेव थ्योरी टू इंटरपर्सनल रिलेशंस, तो इंटरपर्सनल रिलेशन की थ्योरी, हु गेव थ्योरी, किसने दिया इंटरपर्सनल रिलेशन की थ्योरी, किसने इंटरपर्सनल रिलेशंस का थ्योरी किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया इंटरपर्सनल रिलेशन का थ्योरी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशन का थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया, तो इंटरपर्सनल रिलेशन का थ्योरी जो है वो दिया गया हाइलगार्ड पैफलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे विच इज़ द प्रॉब्लम डिफाइनेटिंग फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पैपलोवा थ्योरी, तो यहाँ पे कौन सा जो है प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज है, कौन सा प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज, कौन सा पूछा है प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एज पर पैपलोवा थ्योरी, पैपलोवा थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, पैपलोवा थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फेज करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ओरिएंटेशन फेज जो है इज अ प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पैपलोवा थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओरम्स थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओरम्स थ्योरी, तो ओरम्स थ्योरी इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। देखेंगे यहाँ पे थ्योरी, ओरम्स एंड डोरोथिया वाज द नर्सिंग एडुकेटर, ये क्या थे ओरम्स डोरोथिया जो थे एक नर्सिंग एडुकेटर थे, वो इन 1914 इनका जो जन्म हुआ था वो 1914 में हुआ था, एंड हु डेवलप द सेल्फ केयर फ्रेमवर्क, जिन्होंने क्या डेवलप किया था, जिन्होंने डेवलप किया था सेल्फ केयर फ्रेमवर्क डेवलप किया था, आल्सो नॉन इसे और क्या क्या गया सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी भी कहा गया ऑफ नर्सिंग, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग कहा गया सेल्फ केयर फ्रेमवर्क को, जो कि डेवलप किसके द्वारा हुई ओरम डोरोथिया के द्वारा, जो कि एक नर्सिंग एडुकेटर थे, 1914 में इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द फिलोसफी, ये थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड थी, फिलोसफी फिर दैट ऑल द पेशेंट आर विशेष टू केयर फॉर देमसेल्व, कि सभी पेशेंट जो है उनके वो मतलब कि देमसेल्व यानी कि अपने आप से केयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हर द यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिकॉग्निशन दैट द नीडेड फॉर हेल्थ आर एयर, इसमें क्या क्या नीडेड था हेल्थ के लिए, तो इसमें एयर वाटर फूड एलिमिनेशन एक्टिविटी एंड रेस्ट, तो ये थ्योरी जो है ओरम डोरोथिया के थ्रू नर्सिंग एडुकेटर थे वो 1914 में जिनका जन्म हुआ था एंड जिन्होंने जो है सेल्फ केयर फ्रेमवर्क डेवलप हुआ जिसका अदर नेम जो है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी एंड जिसका जो फिलोसफी थ्योरी की फिलोसफी क्या थी कि पेशेंट आर विशेष टू केयर फॉर देमसेल्फ, ये इतने पॉइंट्स हमें याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, तो विच नर्सिंग थ्योरी कौन सी नर्सिंग थ्योरी कौन सी विच नर्सिंग थ्योरी विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव यानी कि कौन सी नर्सिंग थ्योरिस्ट ने बिलीव किया था बिलीव करते हैं दैट मोस्ट पेशेंट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, तो ये किसने बिलीव किया था अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये बिलीव किया था डोरोथिया ओरम ने ये बिलीव किया था कि पेशेंट जो है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, इन्होंने ये थ्योरी दी थी वो कब दी थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी वाज डेवलप बाय अ नर्स, तो नर्स के थ्रू कौन सी थ्योरी डेवलप हुई कौन सी नर्स के थ्रू नर्स विच थ्योरी वाज डेवलप बाय अ नर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा अनसर्टेनिटी और इन इलनेस थ्योरी, अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी। मिशेल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इलनेस टू नर्सिंग स्कॉलरशिप इन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ बिलीव मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, द हेल्थ बिलीव मॉडल जो है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रोसेनस्टॉक एट अल। सो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोचेस टू हेल्थ इज दैट एनालिस्ट and respect the interaction of a person mind body and spirit with the environment is termed as, the approach to health is analyze and respect, yani ki analyze hona chahiye knowledge honi chahiye aur respect
इंट्रैक्शन ऑफ अ पर्सन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट विद द एनवायरमेंट इज टर्म एज, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। तो यहाँ पे हम होलिस्टिक हेल्थ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो होलिस्टिक हेल्थ मॉडल का मीन्स क्या है कि इज़ अ एंशियंट अप्रोच, ये एक एंशियंट अप्रोच है हेल्थ की। इसमें कंसीडर्स द होल पर्सन एंड हाउ ही और सी इंट्रैक्ट विद हिज और हर एनवायरमेंट, यानी कि होल पर्सन, जो भी पर्सन्स हैं वो जो भी एनवायरमेंट है उनका, जैसा भी एनवायरमेंट है उसमें वो कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो किस कैसे इंट्रैक्ट करते हैं। इट एम्फेसाइज कनेक्शन ऑफ माइंड, ये जो है वो माइंड और बॉडी और स्पिरिट तीनों का कनेक्शन कहलाता है। तो दैट इज होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द पैराडिज ऑफ नर्सिंग, तो पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग का कंपोनेंट पूछा है। तो पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग का कंपोनेंट का आंसर जाएगा आपका पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, ये कंपोनेंट होते हैं पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग के। तो इसमें हमें याद रखना है क्या है, क्या है, पर्सन है, पर्सन है, हेल्थ है, पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट, पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, दीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग पैराडिज्म में इंक्लूड होते हैं फोर लिंकेज, दैट इज पर्सन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड नर्सिंग, विच नॉन एज फोर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग, इसे क्या कहते हैं, फोर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फोर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग थ्योरी आर, तो फोर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग जिसे क्या कहते हैं, फोर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग थ्योरी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है पर्सन हेल्थ इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ रिसर्चर हु इज कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट वुंड ट्रीट ऑन द स्पीड ऑफ हीलिंग वुड बी वेस्ट इन द एक रिसर्चर जो है हु इज़ कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट वुंड, यानी कि टू डिफरेंट वुंड थे, यानी कि दो अलग अलग वुंड हैं। रिसर्चर जो है हु इज़ कंपेयरिंग, वो कंपेयर करता है इफेक्टिवनेस किसकी, टू डिफरेंट वुंड की, एंड ट्रीटमेंट ऑन द स्पीड ऑफ हीलिंग, यानी कि हीलिंग का स्पीड क्या है, वुड बी वेस्ट इन द, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा पॉजिटिव इज इट्स पैराडिज्म, पॉजिटिव इज इट्स पैराडिज्म। नेक्स्ट, द बिलीव ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स है उसका बिलीव दैट इंडिविजुअल इज अ सोशल बीइंग विद स्पेशल नीड्स रिलेट्स टू, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, ये क्या है, क्या डेफिनेशन है, फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स, कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया जाता है, डायरेक्ट जो है डेफिनेशन ही इंक्लूड कर दिया जाता है, ये डेफिनेशन रख दिया जाता है और आंसर जो है पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से ही रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें डेफिनेशन पे भी जो है वो फोकस करना है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऑल द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एक्सेप्टेड, तो ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ये सभी जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं आप नर्सिंग प्रोफेशन की सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एक को छोड़कर, यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं हैज़ थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, यस इट इज़ राइट, हैज़ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस, इट इज़ राइट, एज अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, यस इट इज़ ऑल्सो राइट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा प्रोवाइड सर्विस विद कंट्रीब्यूट टू सेकंड वर्जन, सो यहाँ पे इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं नर्सिंग प्रोफेशन की, दीज ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके नर्सिंग एथिक्स
एथिक्स एंड नर्सिंग एथिक्स जो सब्जेक्ट है यानी कि प्रोफेशनल ट्रेंड्स जो सब्जेक्ट है उससे लिया गया टॉपिक एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से जो है प्रोफेशन ट्रेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।